हाय फ्रेंड्स, फिर से एक बार स्वागत है आपका इंडियन कंप्यूटर हर्बड़ा के यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान पुलिस का लेसन नंबर 8। फ्रेंड्स, इस लेसन नंबर 8 का नाम आपके सामने देख पा रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसका नाम है एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस 2007 और एमएस ऑफिस 2010, मीन्स एमएस ऑफिस 2007 एंड 2010। फ्रेंड्स, हम आपको ये बता देते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, लगभग 7 या 8 प्रोग्राम एमएस ऑफिस के अंदर दिए होते हैं। लेकिन इसमें जो चर्चित प्रोग्राम है उनमें से एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट ज्यादा यूज में लिए जाते हैं। फ्रेंड्स, हम आपको एमएस वर्ड के बारे में बताते हैं, एमएस एक्सेल के बारे में बताते हैं और एमएस पावर पॉइंट के बारे में बताते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको एमएस वर्ड के बारे में बताता हूँ कि एमएस वर्ड एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके माध्यम से आप वर्ड बना सकते हो, टाइपिंग कर सकते हो, बहुत सारे टेम्पलेट, चित्र, डायग्राम सेट कर सकते हो, डिजाइन से फॉन्ट नाम लिख सकते हो, कोई छोटी मोटी फाइल के लिए कवर पेज बना सकते हो। तो इस प्रकार से एमएस वर्ड एक बहुत ही चर्चित प्रोग्राम है जो आप यूज इसमें कर सकते हो। फ्रेंड्स, उसके बाद में आता है हमारा एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल प्रोग्राम में आप शीट बना सकते हो, कहने का तात्पर्य जैसे कि स्कूलों के अंदर बहुत सारा डाटा रखा जाता है, बच्चों का रिकॉर्ड रखा जाता है, बच्चों के एसआर नंबर वगैरह रखे जाते हैं, तो एमएस एक्सेल के अंदर वो कार्य किया जाता है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जो डाटा रखा जाता है, एमएस एक्सेल उसके लिए बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि इसके अंदर सीटें जो होती है अनलिमिटेड होती है और बहुत सारा डाटा अच्छा आसानी से रखा जा सकता है। एमएस पावर पॉइंट की बात करें फ्रेंड्स, तो आपको बता देते हैं कि शादी विवाह के अंदर आपने कई बार अच्छे स्लाइड चलती हुई देखी होगी कि सेव द परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है, तो स्लाइड एमएस पावर पॉइंट के माध्यम से बनाई जाती है। उसके अंदर आप फोटोज वगैरह ऐड कर सकते हो, छोटा एल्बम बना सकते हो, डिजाइन दे सकते हो, पैम्फलेट को घुमा सकते हो, फॉन्ट को घुमा के डिजाइन दे सकते हो, तो ये पावर पॉइंट के अंदर ये कार्य किया जाता है। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि राजस्थान पुलिस एग्जाम के लिए अगर बात करें तो इसका क्या यूज रहेगा। राजस्थान पुलिस एग्जाम के लिए अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको प्रैक्टिकल नहीं करना है, आपको जो इंपॉर्टेंट चीज रहेगी वो क्वेश्चन पेपर रहेगी, क्योंकि राजस्थान पुलिस एग्जाम के अंदर आपको प्रैक्टिकल से संबंधित कम क्वेश्चन पूछकर थ्योरिकल क्वेश्चन आपको ज्यादा पूछने आएंगे। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आप एमएस ऑफिस को अच्छे से समझो, इसलिए हमने इसने इसको 4 चरणों में डिवाइड किया। सबसे पहले हम आपको डेफिनेशन बताएंगे वीडियो, सबसे पहले एमएस वर्ड की, एमएस एक्सेल की, एमएस पावर पॉइंट की, वन बाय वन करके हम आपको अच्छे से इसकी डेफिनेशन बताएंगे। उसके बाद में फ्रेंड्स, हम आपको शॉर्टकट की बताएंगे, हर प्रोग्राम के एक एक पेज के अंदर हम शॉर्टकट की नोट्स के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप तक अवेलेबल करवाएंगे। शॉर्टकट की इसकी अगर बात करें तो हम आपको बताएंगे कि एमएस वर्ड कैसे खुलता है, एमएस एक्सेल कैसे ओपन होता है, एमएस पावर पॉइंट कैसे ओपन होता है, इन सब के बारे में आपको फ्रेंड्स बताया जाएगा कि किस प्रोग्राम को कैसे आप ओपन कर सकते हो, और ओपन करने के बाद में शॉर्टकट की कैसे यूज करते हैं, कंट्रोल ओ से फाइल को ओपन करना, कंट्रोल एस से सेव करना, कंट्रोल पी से प्रिंट करना, बहुत सारे शॉर्टकट की आपके सामने हम एक पेज में लिख कर देंगे, आपको उन्हें याद करना है। और आशा हमारी ये उम्मीद रहेगी कि राजस्थान पुलिस में से हर बार जो क्वेश्चन आते हैं शॉर्टकट की से संबंधित, इस बार इसी में से जो हमारा वीडियो आप देख रहे हो उसी में जरूर क्वेश्चन आएंगे और आपके पूरे नंबर से पूरे नंबर प्राप्त करोगे। बात करते हैं आगे प्रैक्टिकल की, तो हमारा प्रैक्टिकल पे भी वीडियो बनाया जाएगा, हालांकि ये एग्जाम की दृष्टि से यूजफुल नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ में जीवन के रूप में अगर आप यूज करना चाहो कंप्यूटर को आपके लाइफ में, तो आपके लिए प्रैक्टिकल बहुत ही ज्यादा उपयोगी, क्योंकि हम आरएसएटी सेंटर के अंदर भी हम ये टॉपिक पढ़ाते हैं, तो उसमें प्रैक्टिकल ज्यादा काम में आता है। फ्यूचर के अंदर स्टूडेंट अगर ऐसा हो कि आपकी सर्विस न लगे और अगर आप कंप्यूटर वर्क करना चाहो, तो एमएस ऑफिस की ये तीनों प्रोग्राम आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी, जो आपको बहुत अच्छी जॉब दिला सकते हैं और आप उसमें प्रैक्टिकल के माध्यम से बहुत अच्छा कार्य कर पाओगे। बात करें हमारे लास्ट क्वेश्चन की, लास्ट टॉपिक की, मोस्ट क्वेश्चन, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो फ्रेंड, इसके अंदर आपको एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट की जो लेसन है थ्योरिकल, उन थ्योरिकल लेसन को पढ़कर हम प्रत्येक चैप्टर के आपके पास 10-10 क्वेश्चन अवेलेबल करवाएंगे और वो बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड जो हम आपको बताएंगे। अब आपको इस बोर्ड के ऊपर एक नाम दिख रहा है दोस्तों, बिल गेट्स। आप सोच रहे हैं कि बिल गेट्स क्या है, आशा करता हूं कि आप पहले समझ चुके हो। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जनक है, जन्मदाता, जिन्होंने इसको जन्म दिया, ये जन्मदाता है बिल गेट्स, जिन्होंने 1990 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को लॉन्च किया और वर्तमान में 2020 चल रहा है और 2018 तक इसके अपडेट आ चुके हैं और आगे भी इसके अपडेट आते रहेंगे, लेकिन सब में से 1990
से 2018 तक जो इन्होंने अपडेट दिया उनमें से चर्चित इनके 2007 और 2010 जो एमएस ऑफिस है बहुत ही बहुत चर्चित सॉफ्टवेयर रहे। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।